16 के दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। हम मान लेते हैं कि बड़ा भाग है x, तो छोटा भाग क्या होगा, 16 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हमें 16 के दो भागों में विभाजित करना है। तो हमने मान लिया कि बड़ा भाग है x, तो छोटा भाग 16 माइनस एक्स होगा, दोनों का योग 16 होना चाहिए। हमने बड़ा भाग x मान लिया तो छोटा भाग 16 माइनस एक्स होगा। अब प्रश्न की दूसरी शर्त को समझते हैं। हमें दे रखा है कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होना चाहिए। तो बड़ा भाग यहां पर x है, तो बड़े भाग का वर्ग का दो गुना अर्थात एक्स स्क्वायर को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2x2। ये छोटे भाग के वर्ग अर्थात 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से 164 अधिक है, अर्थात हमें जो छोटे भाग का वर्ग आया है, जो छोटे भाग के वर्ग के अंदर हमें 164 को जोड़ना है। पुनः प्रश्न को समझते हैं। बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो बड़े भाग का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर, उसका दुगुना अर्थात 2x2, छोटे भाग का वर्ग अर्थात 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्योंकि ऑलरेडी अधिक है, तो हमें छोटे भाग के वर्ग में 164 जोड़ना होगा, तब ये समीकरण संतुष्ट होगा, तब ये समीकरण संतुलित बनेगा। तो इसलिए अब हमें इस समीकरण को हल करना है और समीकरण से x का मान निकालना है। तो हल करने के लिए राइट हैंड साइड को हल करते हैं। 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस 2ab कितना हो गया, 2 गुणा 16 गुणा एक्स अर्थात माइनस 32x प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस 164 हमने एज इट इज लिख लिया। समीकरण को पक्षांतरण करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारा समीकरण बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। 2x2 में से जब हम x2 घटाएंगे तो x2 बच जाएगा, माइनस का 32x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 32x हो जाएगा। 256 प्लस 164 होता है 420, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 420 हो जाएगा, अर्थात हमारा समीकरण बन गया x2 प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। अब हम इस समीकरण की तुलना हमारे मानक समीकरण से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं, जो है ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां x2 का गुणांक 1 है, इसलिए a बराबर हो गया 1। x का गुणांक कितना है, प्लस का 32, तो b बराबर हो गया 32। c अर्थात अचर पद कितना है, माइनस 420, तो c बराबर हो गया माइनस 420। तुलना से a बराबर 1 पाते हैं, b बराबर पाते हैं 32 है, और c बराबर है माइनस 420। इसलिए विभक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट d का मान, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो हो जाएगा 32² माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 420। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो सरल करने से ये मान हो गया 1024 प्लस, जब माइनस 4 माइनस 420 से गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 गुणा 420 अर्थात 1680। मान हो गया 1024 प्लस 1680। कैलकुलेट करें तो ये मान आता है 2704। अब हम श्रीधराचार्य के द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। d का मान हमने प्राप्त कर लिया है 2704। द्विघाती सूत्र के प्रयोग से
सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह हमारा श्रीधराचार्य का द्विघाती सूत्र है। सूत्र में हम a, b और c के मान रख दें तो मान हो जाता है माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 2704 बटे 2 इंटू 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने रख दिया 2704। अब हम देखते हैं कि 2704 का वर्गमूल होता है 52, तो हमने मान रख दिया अंडर रूट 2704 का 52। एक्स का मान हो गया माइनस 32 प्लस माइनस 52 बटा 2। जब हम धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो एक्स हो जाएगा माइनस 32 प्लस 52 बटा 2। धनात्मक चिन्ह ले लिया, प्लस का 52 ले लिया, अर्थात मान हो गया 52 में से 32 घटाए तो 20, तो मान हो गया 20 बटा 2 जो कि 10 के बराबर है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पे x हम प्राप्त करते हैं कि x बराबर है 10, और ऋणात्मक चिन्ह लें तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 32 माइनस 52 बटा 2, अर्थात माइनस 84 बटा 2 जो कि आता है माइनस 42। तो ऋणात्मक मान यहां हमें मान्य नहीं है, क्योंकि हमने प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 16 के दो भागों को हमें विभाजित करना है, तो यहां हम x बराबर माइनस 42 को रिजेक्ट कर देते हैं। हम धनात्मक मान लेते हैं कि धनात्मक जो मान है x का वो है 10। x हमने क्या माना है, x हमने यहां माना है बड़ा भाग, तो बड़ा भाग जो है उसका मान है 10। बड़ा भाग x है, x का मान हो गया 10, तो संख्या का जो छोटा भाग होगा स्पष्ट है कि वो 16 माइनस 10 होगा। तो बड़ा भाग, संख्या का बड़ा भाग है 10 और संख्या का छोटा भाग 16 माइनस 10 अर्थात 6। तो इस प्रकार हमने 16 को जब हम विभाजित करते हैं दो भागों में, इस प्रकार की बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, तो 16 के वो दो भाग होंगे, बड़ा भाग होगा 10 और छोटा भाग होगा 6।